जमा कर ले, कर ले बस थोड़ा सा काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चुईज गुड लाइफ। हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मज़े में होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, काफ़ी मस्ती कीजिए। अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8, तो सब लोग घर में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने काम में लगे। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई और तो आज घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं और आज का मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, तो आज पूरे दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सो गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी ना आके आई हूँ तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, ऐसे भी घर में क्या ही मेकअप करना, ज़्यादा कुछ मेकअप तो करना नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत करूँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये सबसे पहले घी मैं लगाऊँगी, ये सबसे पहले तो ये मैं टोनर लगाऊंगी अपने फेस पे, क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया है तो मैंने फेस वॉश किया है, तो फेस जो है मेरा जो फेस है ये थोड़ा थोड़ा मुझे ड्राई ड्राई जैसा फील हो रहा है। शायद आप लोगों को सामने से देख के मालूम नहीं चल रहा होगा बट मुझे फील हो रहा है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी टोनर। तो ये है लोटस हर्बल रोज टोन, रोज पेटल्स फेशियल स्किन टोनर है ये, और ये टोनर मैं अभी अप्लाई करूँगी, तो इसके लिए मैं डिटेल्स में वीडियो लेके आऊँगी और फिलहाल चलते हैं, मैं इसे जा रही हूँ लगाने। सो गाइस, ये एक स्प्रे बॉटल है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से आप ही अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस टोनर की जो क्वांटिटी है वो 100 ml है और ये एक मिनट में ये आपको एक टोन्ड स्किन देता है एंड ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। मैंने इसे ऑनलाइन बाई किया था 125 rupees में, तो आप भी अगर आप को भी लेना हो तो मैंने मिंत्रा से इसे परचेज किया था, अभी इसे ले सकते हैं। एंड गाइस, ये हर सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये टोनर, एंड इसे मैं अपना मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ। तो अभी मैं कंघी कर रही हूँ, मैं अपने बालों को हर हमेशा बांध के रखती हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होते हैं, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन आप लोगों के पास हो तो आप लोग ज़रूर ही बताना, अगर मेरे पास होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये छोटा सा बिंदी हमने लगा लिया है, तो मैं अपनी बिंदी को हर हमेशा ये ड्रेसिंग के साइड में चिपका देती हूँ रात में, और फिर अगले दिन वही बिंदी लगा लेती हूँ। और ये छोटा सा बिंदी चूँकि मुझे सूट पे लगाना काफ़ी पसंद है, और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ बेबी लिप, और मेरे लिप्स जो हैं वो थोड़ा ड्राई हो गए थे तो मैंने यहाँ लगाया बेबी लिप। और फिर मैं लगाऊंगी ये लोटस का सिंदूर, तो लिक्विड वाली सिंदूर ही मुझे लगाना पसंद है, क्योंकि पाउडर वाली जो सिंदूर होती है वो इधर उधर फैल जाता है, देखने में तो अच्छा लगता है बट इधर उधर फैल जाता है, तो मैं उसे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। कभी कभी जब मैं शैम्पू करती हूँ उस टाइम लगा लेती हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी सिंदूर लगाएं तो सर पे कुछ पल्लू वगैरह रख के तभी सिंदूर लगाएं। सो मैंने यहाँ सर पे पल्लू रख लिया है और मैंने दुपट्टा रख लिया, पल्लू नहीं है ये, और फिर मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो कहते हैं ना कि 5 बार या 3 बार ही सिंदूर लगाते हैं। सो गाइस, सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, तो मैंने बाबू को यहाँ वापस में बैठा दिया है, और मॉर्निंग में आप सबसे सब कुछ में बिजी होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है। सो गाइस, नहीं अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है बाबू को? नहीं अच्छा लग रहा है? बैठो ना, बैठो ना, थोड़ी देर बैठो ना मामा, थोड़ा सा काम है बेटा, मामा का बाबू वो सब करूंगी। अरे बेटा, मैंने थोड़ा बहुत जो भी मेकअप करना है कर लिया, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने बाबू को पहले ही रेडी कर दिया। अरे बेटा मत नोचो ना, उधर देखो, कर लिया है।
और अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि गेस्ट लोग आने ही वाले हैं। और सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ काजू रोस्ट, तो काजू लगभग रोस्ट हो ही गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर जो कि मैंने कट किया हुआ था पहले से ही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, अभी बनाने वाली हूँ। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत जो फ्रूट्स हैं वो लिए हैं जो कि इस मौसम में हमें इसलिए मिल जाएंगे, वो सब फ्रूट्स लिए हमने। और फिर इसे चॉप करूँगी और यहाँ पर मैंने कस्टर्ड का मिक्सर भी रेडी कर लिया है। तो ये हमारा रहा कस्टर्ड का मिक्सर, ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं सारे फ्रूट्स को चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड है वो बनके रेडी है, बट इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर अभी डालनी बाकी है। तो मैं अभी थोड़ा सा इलायची पाउडर भी क्रश कर लेती हूँ। तो इलायची पाउडर मैंने क्रश कर लिया और थोड़ा सा ऊपर से इसमें गार्निश कर दूँगी और हमारा कस्टर्ड बनके रेडी है। इस रेसिपी की वीडियो मैं डिटेल्स में आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।